बढ़िया पारी। ओ भाई मिस, वेल डन। यस ओके गाइस, तुम्हारी बैटिंग आ गई है और सबसे पहले मोहम्मद रिजवान और बाबर आमिर सुम के साथ हम ओपनिंग बैट्समैन करने वाले हैं टूर्नामेंट का सेकंड मैच। मेरे ख्याल से पहले मैं पिच को देख लूं क्या स्विंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलो यहाँ पर तो सिंगल निकल जाएगा आराम से। यस, ये बॉल तो मारने वाली है। स्लोअर गेंद उठा दिया है, परफेक्ट टाइमिंग। रिजवान का पहला सिक्स, बहुत बड़ा छक्का ये तो। ओके, फिर से वही बॉल, स्लोअर गेंद और ये भी उठाकर मार दिया हमने ग्राउंड के बाहर। बाबर आजम को बल्ला घुमाना आएगा, दो बोले खेलनी है बाबर भाई। लेग साइड पर तो ये आ सकता है और ये उठा दिया बाबर आजम ने और ये बड़ा सिक्स। ओके, तो आगे साइड के खाली। ओके, बाउंसर बाउंसर और ये बड़ा शॉट रिजवान के बल्ले से सिक्स। बाउंसर नहीं डाल ली, बाउंसर से हम नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं डरते। ओके, अरे यार अगली बाउंसर पर हक दिया मैंने, ये वाइड होगी शायद से। नो बॉल, अभी मजा आएगा ना, फ्री हिट मिल गई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहां मारा जाए, नहीं यार ये बाउंसर फिर से, अंपायर बाउंसर है ये भी, नो बॉल है ये। अरे फिर से नो बॉल, अब बाउंसर डाली, अब तो आगे डालेगा मेरे ख्याल से। यार फिर से वही, और हग दिया, हग दिया, नो बॉल पर लगी नहीं, हग दिया। ओके, ये स्लोअर गेंद है, इस पे तो लगे, कोई बात नहीं। पहली गेंद मसूद भाई दिखा दो कि आप बढ़िया प्लेयर हो, और पहली गेंद पर चौका मार दिया। यार ऑफ साइड क्लास दिखानी पड़ेगी बाबर आजम की लगता है इनको। यार अरे 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 बारे बारे बारे, कम ऑन मसूद भाई, मसूद भाई ने उठा दिया है सिक्स के लिए। बाबर भाई लेग साइड खाली है, क्लास मिस हो गई। मसूद भाई अब तक बढ़िया लग रहे हैं, क्या लेग साइड के ऊपर मार पाएंगे। उठा के दिया है और ये बिल्कुल बढ़िया। ओके, इस पे तो शॉट है, ओ नहीं मसूद आउट हो गए। अली भाई को मारना होगा क्योंकि वो ब्रूट बैट्समैन है, और उठा दिया है और ये सिक्स के लिए भी। मार्शल स्टोइनिस भी यार, को क्या नाम था उसको, सिक्स पड़ गया है। ये बहुत तेज बॉल डाली है, ओ ये कैसे बच गया भाई, मतलब बढ़िया ही है, मैं आउट नहीं हुआ, लेकिन बॉल बहुत बढ़िया बॉल थी। अली भाई ये शॉट लगाया है बिल्कुल बैट के बीचों बीच, पिछली बॉल पर विकेट बची थी इनके, लेकिन कोई बल्लेबाज को खौफ नहीं है बॉलर का, और मार दिया स्टेडियम के बाहर 6 रनों के लिए। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं। लेकिन बाबर आजम 47 पर है, क्या ये अपनी हाफ सेंचुरी कर पाएंगे। ये बहुत रफ्तार से गेंद है और उसी रफ्तार से ग्राउंड के बाहर फेंका बाबर आजम ने, चौके के साथ बाबर आजम की हो गई है 50। बढ़िया पारी, 34 गेंदों में 51 रन। ये स्लोअर गेंद, अरे यार स्लोअर गेंद थी ये, मैंने देखी नहीं, बिल्कुल सामने है बाबर आजम, पिचिंग आउटसाइड ऑफ है, इंपैक्ट इन लाइन है, हिट वे। यार बाबर जो सेट थे बल्लेबाज वो आउट हो चुके हैं। ओ ये बढ़िया शॉट, क्या चौके के लिए जाए, बिल्कुल बढ़िया शॉट भाई। बाबर आजम की विकेट गई है, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है पाकिस्तान टीम पर, एक बढ़िया पोजीशन पर है पाकिस्तान टीम। ओके, जैम्पा आ गए हैं, जैम्पा को थोड़ा मारने की मैंने ट्राई करी और ये हसन अली आउट हो चुके हैं, एक ओवर साइड बैट्समैन हमारे आउट होते हुए। फिर से गुगली है, इस बार कनेक्शन बढ़िया है, इस बार वो फील्डर रोक ही नहीं सकता, अब रोक के दिखा। मेरे को 200 तो मुश्किल लग रहा है यार, यहाँ से 200 तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, अब 180 बन जाए वही बहुत है मेरे लिए, लेकिन बन सकते हैं अगर इस पे। ओ नहीं, एक और विकेट। ओके, तो लैग यार, मेरे को लैग पर मत दिया करो, चौका मिल जाएगा, 180 के पार तो लेकर जाना पड़ेगा मेरे को स्कोर, वरना तो। और इके ये बढ़िया शॉट, टाइम पूरी परफेक्ट हुई पहली बॉल पर सिक्स। ओ वो वो, वो गुस्सा ही कर गए तुम, गुस्सा कर गए हेजलवुड भाई। 192 का स्ट्राइक रेट और ये चौके के लिए बिल्कुल सही स्ट्राइक रेट था, अगर परफेक्ट टाइम करोगे तो बाउंड्री मिलेगी। 2 ओवर में 180 टपाने पड़ेंगे मेरे को। अरे यार एक तो ऐसी बॉल डालोगे तो फिर ऐसा इल्जाम मिलेगा और ऐसा सिक्स, क्या फील्डर है वहां पर, देखता रह जाएगा फील्डर। ओके, मैं थोड़ा ऐसा शॉट ट्राई कर रहा हूँ और ये बढ़िया शॉट, कनेक्शन बढ़िया है इसके लिए सिक्स। और ये और कोई बात नहीं, सिंगल सिंगल तो दो। ओके, लेग साइड पे इंटरेस्टेड हूं मैं, लगा है लेग साइड पर सिक्स।
फील्ड अब इन्होंने बढ़िया लगा दी मेरे को, बाउंसर नहीं, बाउंसर तो नहीं है, मैं पीछे मार सकता हूँ। ओ शॉट ऑफ द मैच, शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द मैच, शॉट ऑफ द इनिंग्स, शॉट ऑफ द कंट्री, बढ़िया। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, ओके ओके, पीछे पीछे की तरफ, चौका, दो रन तो लो, कम से कम दो, चौका निकल गया। 203 बना दिया पाकिस्तान ने 20 ओवर में। पहली बॉल शाइन अफरीदी टू वार्नर और पहली बॉल पर चौका, और वार्नर तो अब आया स्ट्राइक पर, पहले फिंच मारना था, वार्नर को मैं अंदर वाली गेंद डाल रहा हूँ और ये चौके के लिए मार दिया। अरे क्या कसम खाई है, क्या पहली पहली बॉल पर चौका मारना है, तीन बॉलों पर तीन चौके पड़े हैं, क्या इस पर विकेट आ जाएगी, क्या, अरे यार चार बॉलों में चार चौके लगा दिए, 21 रन का पहला बड़ा ओवर। अरे यार वो फील्डर थोड़ा इधर करना था मेरे को, चलो कोई बात नहीं। वो कैच आया हरीश रो, कैच इट, बॉल्ट, वार्नर वर्सेस अफरीदी एक बार फिर से, क्या होगा, क्या अफरीदी को फिर से पड़ेंगे, यार इनकी कुछ अलग चल रहा है इन दोनों का, इनकी दुश्मनी वगैरह हो गई है, क्या मिचेल मार्श गूगली को पढ़ पाएंगे, पढ़ लिया और छक्का भी मार दिया। 20 गेंदों में 132 रन बन सकते हैं। फोर्थ कैच आया, विकेट मिली वार्नर की, बहुत हो गया वार्नर कब से पहले जा रहा है, अफरीदी भाई अब साइड पर खुश होंगे बहुत ज्यादा, इतनी खुशी मुझे आज तक। मैंने ये वाली फील्ड चुन ली है क्योंकि मैं इनको आगे टप्पा देने वाला हूँ, पीछे तो मैं टप्पा दूंगा ही नहीं इनको। अरे इस साइड मार सकते हैं ये लोग, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मारेंगे मेरे को लग रहा है। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। गूगली डाली है बिल्कुल वाइड यॉर्कर की तरह, समझ रहे हो कितना कैच, अरे कैच है ये, ओ भाई मिस, कोई बात नहीं, मौके आते हैं मौके जाते रहते हैं, लेकिन हम ये मैच तो एक और मौका, अब की बार कोई कैच नहीं छोड़ा और पाकिस्तान मैच में वापसी करता हुआ। भाई पेस तो मैं इनको दे ही नहीं रहा, पेस तो भूल जाओ, ये मेरे से एक्सपेक्ट करोगे तुम लोग। वो कैच आया, क्या ये मैंने कैच पकड़ा है, प्लीज मैंने ये कैच, दो कैच मैंने ड्रॉप कर दिए, दो कैच मैंने ड्रॉप कर दिए। अब थोड़ी मैंने पेस दी है इस बॉल पर, इस बॉल पर मैंने थोड़ी सी पेस दी है और ये पेस का इस्तेमाल भी कर लिया इन्होंने, सिक्स लगा दिया छक्कों में डील करते हुए। दूसरा गेंद डाली है मैंने इस बार तो, वो कैच आया इस बार, कैच इट, जरूरत है, चौका लग गया यार। ओके तो ये मैंने फील्ड लगाई है क्योंकि मैं लेग साइड इनको रखने वाला हूँ अब। यार ये कहां से चौका निकाल दिया, ये 15 गेंदों में 21, अफरीदी के साथ मुझे ओवर डालना पड़ेगा। अरे नहीं, बढ़िया बॉल डाली है मैंने, ये ही तय गया था बस। 9 गेंदों में 11 स्कोर, चौका लग गया इस पे, बस ये लास्ट बॉल अगर बढ़िया निकल जाए तो काम बढ़िया हो जाएगा, और छक्का लगा दिया भाई उसने। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, ऑस्ट्रेलिया टॉप 6 के क्वालिफाई कर चुकी है पाकिस्तान को हरा कर। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ आपको जल्दी टूर्नामेंट के अगले मैच में, तब तक के लिए बाय बाय।